स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, और आज की इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन sec x इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जो हमें इक्वेशन दी गई है sec x इज इक्वल टू 2, इसके हमें जो है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि ये सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होते क्या हैं। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ मेरी जो पिछली वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 की, इसी एक्सरसाइज की, उसको एक बार जरूर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या है ये मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में बताया आपको। ठीक है ना, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन होते क्या है। तो आप उस वीडियो को देख लें और उससे आपको पता लग जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है sec x इज इक्वल टू 2, यानी कि अब हमारे हमने जो पढ़ा था, जैसे ये तीन थ्योरम हमने पढ़ी थी, sin x, cos x और tan x, तो हमारे पास तो ये तीन ही है, बोलना हमने तीन ही थ्योरम है हमारे पास, sin x की है, cos x की है और tan x की है, sec x की तो हमारे पास है नहीं। तो अब यहाँ पर हमें sec x दे दिया गया है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हम एक्चुअली करेंगे ये कि sec x को जो है हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमें पता ही है जैसे sec x क्या होता है, वो होता है 1/cos x। ठीक है ना, तो इसको हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा cos x क्या होगा, cos x हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, हमने sec x को जो है cos में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ sin cos और tan की ही जो है थ्योरम है, sec की हमारे पास नहीं है। ठीक है ना, तो sec को हमने cos में कन्वर्ट कर दिया, तो cos x इज इक्वल टू हो गया 1/2। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमें पता ही है cos 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री पे होता है। ठीक है ना, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 90 डिग्री तक तो पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे cos x आ गया हाफ, तो हाफ हमें पता होना चाहिए, 1/2 पता होना चाहिए कि कितने डिग्री होता है cos, तो cos 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसलिए cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ 1/2। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई, ये हो गई हमारी 60 डिग्री, और इसको अगर हम उसमें क्या कहते हैं पाई रेडियन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी π/3। ठीक है, तो एक हमारी वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि कॉस जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं एक, ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि कॉस जो है वो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो एक तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जैसे ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम एक 60 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, यानी कि π/3। तो ये तो हमारा पहला आ गया। अच्छा, उसके बाद अब सेकंड जो होता है कॉस, वो कहाँ पॉजिटिव होता है, वो होता है इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस को, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसको बेस लेके और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं सेम। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बनाया जितने डिग्री का, उतने ही डिग्री का हम यहाँ बना लेंगे, ये हमारा 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, ये हमें पता ही है। अच्छा, अब जो है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री, 360 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करा। ठीक है ना, तो वो होगी वैल्यू, यानी कि कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। भाई 360 में से हमने 60 माइनस कर दिया, तो ये हमारा इसकी वैल्यू भी हाफ आएगी,
तो इसको अगर हम रेडियन में करना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 360 होता है हमारा 2 पाई, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे और 3 2 6, 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू हाफ, और कॉस 6 पाई में से पाई गए, ये बचा हमारे पास 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू हाफ। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास ये आ गई 5 पाई बाई 3, ठीक है ना, यानी कि 300 डिग्री, 360 में से 60 गए 300 डिग्री, तो ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई 300 डिग्री, यानी कि 5 पाई बाई 3। ये हमारी जो दो वैल्यू आई ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब जो है जनरल सॉल्यूशन देखेंगे इसका, जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे कि जनरल सॉल्यूशन में हमारे को पास कॉस की है ही है हमारे पास ये थ्योरम, तो ये है कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, वाई क्या है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है ना, और एक्स इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारे पास आ गई कॉस की जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, और इसमें हम जो वाई है एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, जो हम ये पाई बाई 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 और एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हमारा जो है ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से जो है हम ये जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे, किस तरह से हम ये जनरल वैल्यू निकालते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, बस आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल का नोटिफिकेशन को आपने प्रेस किया होगा, तो मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो इसका ये फ़ायदा है सब्सक्राइब करने का। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।